नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 25 जनवरी 2021। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज डिस्कशन में। इस डिस्कशन में हम 25 जनवरी के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस डिस्कशन की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार जेल पर्यटन शुरू करेगी? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र की सरकार 26 जनवरी, याद रखेगा 26 जनवरी 2021 से पुणे की जो येरवाडा जेल है, फिर से बोलता हूँ, पुणे की जो येरवाडा जेल है यहाँ से जेल टूरिज्म को स्टार्ट करेगी। इसमें होगा क्या, देखो लोगों को जो ऐतिहासिक जेल है उनको बहुत नजदीक से और उनको अच्छी तरीके से जानने का अवसर प्राप्त होगा और ये देश के अंदर इस तरीके का पहला इनिशिएटिव है। ब्रिटिश रूल के टाइम पे क्या होता था, देखो सेवरल फ्रीडम फाइटर्स इंक्लूडिंग महात्मा गांधी जी इस जेल में कैद रहे थे। तो याद रखेगा महाराष्ट्र की सरकार 26 जनवरी से जेल टूरिज्म को स्टार्ट करेगी। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र। अब बात इसमें महाराष्ट्र की हुई है तो महाराष्ट्र का जो प्रीवियस करंट अफेयर है उसे हम देख लेते हैं एक बार। देखो एमएसएमई सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड कराने में महाराष्ट्र जो है ये पहले स्थान पर रहा है, पहला पॉइंट ये बोलता है। दूसरा पॉइंट, कृष्णा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है अग्रणी रिवर, ये भी कुछ टाइम पहले न्यूज में थी, इसको रिवाइव किया गया था। थर्ड पॉइंट, महाराष्ट्र का जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस है यहाँ पर एक स्पेशल सेल का गठन किया जाएगा। किस लिए? देखो महाराष्ट्र के अंदर जो अभी एग्जिस्टिंग स्कीम्स है, मतलब मौजूदा स्कीम है जिनका संबंध वुमेन से है, उन स्कीम में तेजी लाई जा सके। फोर्थ पॉइंट, चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा के अनुसार सबसे ज्यादा जो गोद बच्चे लिए गए हैं ये महाराष्ट्र में लिए गए हैं और ये जो डाटा है ये डाटा है 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच में सबसे ज्यादा बच्चे जो गोद लिए गए हैं ये महाराष्ट्र में लिए गए हैं। फिफ्थ पॉइंट, देखो पुणे की पुलिस ने कुछ टाइम पहले एक व्हीकल एंटी थीफ डिपार्टमेंट को स्टार्ट किया था, फिर इसे बंद कर दिया गया और अब दिन पे दिन जो व्हीकल चोरी के संबंधित जो केस बढ़ रहे हैं इन्हीं पे लगाम लगाने के लिए पुणे की पुलिस ने दोबारा से, मतलब व्हीकल एंटी थीफ डिपार्टमेंट को रिस्टार्ट किया है। सिक्स पॉइंट, महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है जिसने मास्क की जो कीमत है इनको कैप कर दिया है। अब बात महाराष्ट्र की है तो इसकी लोकेशन देख लीजिए आप कहां पर है। देखो महाराष्ट्र के अगर हम लोकेशन की बात करें तो यह है महाराष्ट्र। इसके अगर हम आसपास के राज्यों की बात करें, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा, 6 राज्यों के साथ महाराष्ट्र की सीमा लगती है। कैपिटल की बात करें तो मुंबई इसकी कैपिटल है, उद्धव ठाकरे ये मुख्यमंत्री हैं, भगत सिंह कोश्यारी ये राज्यपाल हैं, 36 जिले हैं लोकसभा की 48 सीट, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288 सीट और विधान परिषद की 78 सीट। देखो यहाँ पर बाय कैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। जिस राज्य में सिर्फ विधानसभा होती है उसे बोलते हैं यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। हाईकोर्ट की बात करें, बॉम्बे में इसकी हाईकोर्ट है जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र, गोवा और DNHDD ये क्या है, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, अब इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया है और इन तीनों की जो जुरिस्डिक्शन है ये बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, जैसे गुगुमल नेशनल पार्क, तदुबा अंधारी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म स्थान कटक में नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला रखी? तो भी हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री, नाम क्या है, नवीन पटनायक, इन्होंने 23 जनवरी 2021 को, देखो जो इनका जन्म स्थान है ना, नाम क्या है, कटक, ये उड़ीसा में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यहीं पर इनकी 125वीं जो इनका बर्थ एनिवर्सरी थी, मतलब बर्थ सेरेमनी, इसी मौके पर इन्होंने एक नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला रखी। याद रखेगा इंपॉर्टेंट है। और ये जो इंटर स्टेट बस टर्मिनल है इसमें तकरीबन 65 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इसमें होगा क्या, देखो 274 व्हीकल और 180 बसेस, मतलब इनके यहाँ पे जो पार्किंग स्पेस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा इनके लिए। तो डी क्वेश्चन का सही आंसर है उड़ीसा। अब बात उड़ीसा की हुई है तो उड़ीसा का जो प्रीवियस करंट अफेयर है उसे हम देख लेते हैं एक बार। यह है उड़ीसा का प्रीवियस करंट अफेयर। पहला पॉइंट क्या बोलता है, देखो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री, नाम क्या है, धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने भुवनेश्वर में LPG उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल सुविधा शुरू की।
सेकंड पॉइंट, उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। थर्ड पॉइंट, उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट, उड़ीसा का भीतरकनिका नेशनल पार्क जनवरी 2021 में 9 दिनों के लिए बंद रहेगा, किस लिए? क्योंकि यहाँ पे क्रोकोडाइल की जनगणना की जाएगी। फिफ्थ पॉइंट, उड़ीसा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। सिक्स्थ पॉइंट, जस्टिस एस मुरलीधर ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सेवन्थ पॉइंट, उड़ीसा राज्य ने एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष डॉक्टर जस्टिस ए के मिश्रा होंगे। अब उड़ीसा की आप लोकेशन देखिए, यह है उड़ीसा की लोकेशन। इसके अगर हम आसपास के राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, चार राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है उड़ीसा की। कैपिटल की बात करें तो भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। गणेशी लाल ये राज्यपाल हैं। 30 जिले हैं, लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीटें हैं। कटक में इसकी हाईकोर्ट है जहां के मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में बने हैं एस मुरलीधर। भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, घईर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सतकोशा जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी सेंचुरी और नेशनल पार्क ये उड़ीसा में स्थित हैं। जनवरी 2021 में सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी? तो देखो, जनवरी 2021 में 24 जनवरी 2021 को इस दिन क्या होता है? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये मनाया जाता है। और इसी दिन के अवसर पर यानी 24 जनवरी 2021 को ये उत्तराखंड के जो हरिद्वार की हैं ये सृष्टि गोस्वामी, ये उत्तराखंड की एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी। देखो ये क्वेश्चन आप टिक लगा लीजिए, ये आने वाले किसी न किसी एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? बी, उत्तराखंड इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो, हर साल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल वोटर्स डे ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब से? 2011 से हर साल मनाया जाता है ये। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? तो देखो, 25 जनवरी 1950 को ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, इसलिए इसे 25 जनवरी को मनाया जाता है। मकसद क्या होता है? देखो, वोटर को एंकरेज करना जिससे वो अपने मतदान का सही यूज कर सकें। अब बात करें दूसरे ऑप्शन की, तो 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? ग्लोबल फैमिली डे। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे यानी राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे ये मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि दिल्ली सीमा पर कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी? तो देखो, अभी हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री, नाम क्या है? कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि पंजाब के अंदर वो लोग, देखो अभी दिल्ली बॉर्डर पे जो कृषि कानून है इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है, और इसी प्रदर्शन में वो किसान जिनकी किसी न किसी कारण से डेथ हो जाएगी, तो उनके परिवार में किसी एक मेंबर को सरकारी नौकरी दी जाएगी पंजाब के अंदर। तो ये फैसला लिया है अभी पंजाब की सरकार ने। 20 क्वेश्चन का सही आंसर है पंजाब। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सेकंड, ये मिटा देता हूं पहले। हाँ, अब भारत के सबसे लंबे रोड आर्क ब्रिज, नाम क्या है? वराह ब्रिज। इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। तो देखो, अभी हाल ही में 22 जनवरी 2021 को मेघालय के जो सीएम है, नाम क्या है? कॉनरेड के संगमा, इन्होंने ये घोषणा, मतलब इन्होंने इस वराह ब्रिज का उद्घाटन किया। 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। मेघालय में ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट है और वहां पर एक जगह है, नाम क्या है? सोबर, यहीं पर इसका उद्घाटन किया गया है। देखो, ये जो प्रोजेक्ट है ना वराह ब्रिज, इसको जो सेक्शन किया गया था ये किया गया था 2013 में। इस पे काम स्टार्ट कब हुआ? 2014 में। और ये कंप्लीट कब हुआ? 2018 में। और अब 2021 में इसका उद्घाटन किया गया है। ये आर्क ब्रिज किस लिए है? देखो, समझते हैं, ये ब्रिज है और इसके ऊपर से ये आर्क बना हुआ है ऐसे, इसलिए इसका नाम बोला गया है आर्क ब्रिज। और ये लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज है वराह ब्रिज, नाम भी इसका पूछा जा सकता है, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में मेघालय में किया गया है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2021 में गोवा में श्रम शक्ति का शुभारंभ किसने किया? तो जनजातीय मामलों के जो मंत्री हैं, नाम क्या है? अर्जुन मुंडा, यानी यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा ने
श्रम शक्ति का गोवा में 22 जनवरी को उद्घाटन किया, मतलब इस स्कीम को लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ये है क्या, ये नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल है। समझ गए ना आप, इसका जो संबंध है ये माइग्रेंट वर्कर से संबंधित है, ये श्रम शक्ति योजना जिसका भी हाल ही में गुजरात में इसका शुभारंभ किया गया है अर्जुन मुंडा के द्वारा। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में बनेगा बताइए। तो देखो, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये गुजरात का जो अहमदाबाद जिला है, अहमदाबाद में एक जगह है सनंद, और सनंद में है विरोचन नगर, यहीं पर ये बनेगा। ये याद रखिएगा, ये लॉन्गेस्ट है यानी सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है जो बनेगा गुजरात के अंदर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, अच्छा ये तो है सबसे बड़ा, अगर पूछा जाए भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये कहां पर है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग द्वारा जारी 2021 में भारत इनोवेशन इंडेक्स का कौन सा संस्करण जारी किया गया बताइए। तो देखो, जनवरी 2021 में यानी 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग के द्वारा ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का दूसरा संस्करण यानी सेकेंड एडिशन इसका जारी किया गया। 20 क्वेश्चन का सही आंसर है, और इस मतलब इंडेक्स में तीन कैटेगरी में रैंकिंग दी गई। तीन कैटेगरी कौन कौन सी हैं, एक तो है मेजर स्टेट्स, दूसरी कौन सी है नॉर्थ ईस्ट और हिल्स स्टेट, तीसरी कैटेगरी कौन सी है केंद्र शासित प्रदेश। बात करें मेजर स्टेट में, जो पहला स्थान प्राप्त हुआ इसमें यह हुआ है कर्नाटका को, दूसरा स्थान महाराष्ट्र को। बात करें नॉर्थ ईस्ट और हिल्स स्टेट में, पहला स्थान हिमाचल प्रदेश को, दूसरा उत्तराखंड को। अब बात करें केंद्र शासित प्रदेश में, तो पहला स्थान दिल्ली को और दूसरा हुआ चंडीगढ़ को, याद रखेगा इंपॉर्टेंट है। अब नीति आयोग के बारे में भी थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। पूरा नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फिर से बोलता हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये भारत सरकार का एक थिंक टैंक है। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब किया गया था, मतलब इस बॉडी का गठन कब हुआ था, तो इसका हुआ था 2015 में, जनवरी 2015 में। देखो इससे पहले था प्लानिंग कमीशन, और ये बॉडी प्लानिंग कमीशन की जगह पर ही आई है। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। चेयरपर्सन की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, याद रखेगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इसके चेयरपर्सन हैं। वाइस चेयरपर्सन की बात करें तो राजीव कुमार हैं। अगर सीईओ कौन है इसके, अमिताभ कांत, याद रखेगा। ये हमने नीति आयोग के बारे में कुछ बेसिक डिटेल समझी है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2021 में किसने केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है, निर्मला सीतारमण, फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो देखो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब जो क्वेश्चन हमसे आपसे कल पूछा गया था इसका आंसर देख लेते हैं। जनवरी 2021 में शारजा कहां पर है, यह यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। शारजा को किस शहर से हरी मटर और सफेद बैगन की पहली खेप भेजी गई, तो बताइए। तो देखो ये भेजी गई उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया था। ये तो था हमारा कल का क्वेश्चन। अब आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य का पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन, नाम क्या है इसका, रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल, लॉन्च किया है, तो देखो इसका आंसर आपको बताना है। एक तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, और एक अभी डिस्कशन के बीच में हमने पूछा था क्या, देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये कहां पर है, तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।